गए कश्मीरियों के वोट डालने और वहां तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के फैसले पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस्लामाबाद ने कश्मीर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले की तैयारियों को जानबूझकर यह किया जा रहा हेरफेर और खुल्लम खुल्ला जोर तोड़ करार दिया है। पाकिस्तान ने चुनाव के लिए भारत सरकार के प्रयासों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, भारत प्रशासित कश्मीर में बाहरी कामगारों और सुरक्षा कर्मियों सहित अस्थायी निवासियों को वोटर के रूप में रजिस्टर होने की अनुमति देना तथा कथित चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की भारतीय तरीके की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। पाकिस्तान ने अपने बयान में भारत पर कश्मीर की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक तबके में बदलने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, तथाकथित परिसीमन आयोग के फॉर्मूले और उसकी रिपोर्ट के जरिए लाखों बाहरी लोगों को नकली कश्मीरी डोमिसाइल देकर और संपत्ति कानून में बदलाव लाकर भारत ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीर की जनसंख्या के स्वरूप को बदलने के भारत के प्रयास को रोकने की मांग की है। पाकिस्तान ने दावा किया है, 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के निंदनीय फैसले के बावजूद भारत न तो कश्मीरी लोगों की इच्छा शक्ति को तोड़ पाया है, न ही दुनिया को गुमराह करने में सफल हो पाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत को कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, यूएन चार्टर और 4th जनीवा कन्वेंशन के उल्लंघन को रोकने की वकालत की है। साथ ही उसने कश्मीर के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग भी की है। याद दिलाते हैं कि गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि यहां रह रहे बाहर के लोगों को राज्य में मतदान करने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई जम्मू कश्मीर में कितने समय से रह रहा है, बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग लेगा।